नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रायसेन मूर्ख सम्मेलन में छाया रहा चूना। हिंदू उत्सव समिति के तत्वाधान में रायसेन के महामाया चौक पर मूर्ख सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रंग पंचमी उत्सव के तारतम्य में लोगों ने चुटीले चुटीले व्यंग बाण छोड़े। नगर पालिका द्वारा पार्षदों के साथ मिलकर जो चूना कांड किया था उस पर पत्रकार हरीश मिश्र चंचल ने जमकर चुटकियां ली। वहीं पत्रकार राज किशोर सोनी द्वारा एक मधुर गीत सुनाया गया। भाजपा नेता कन्हैया सुरमा भी अपने आप को बोलने से रोक नहीं पाए। ज्ञातव्य हो कि कई वर्षों पूर्व रायसेन में मूर्ख सम्मेलन किया जाता था और लोगों पर कविताओं के द्वारा व्यंग्य बाण छोड़े जाते थे। इस बार हिंदू से समिति ने फिर इस कार्यक्रम को रखा और लोगों ने भरपूर आनंद उठाया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, कई पत्रकार एवं शहर के गणमान्य नागरिक पधारे। लोगों ने जमकर नाच गाना करके इस कार्यक्रम का भरपूर आनंद लिया। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। स्टेज पर महानुभाव विराजमान है, यहाँ मूर्ख सम्मेलन कार्यक्रम रखा गया है। रायसेन में पहले प्रथा थी कि रंगपंचमी पे मूर्ख सम्मेलन कार्यक्रम होता था करीबन 30 से 35 साल पहले, लेकिन ये कार्यक्रम बीच में बंद हो गया था। अभी अध्यक्ष जी ने बताया कि 7 साल पहले कार्यक्रम रखा गया था एक बार, इसके बाद फिर ये बंद हो गया था, लेकिन आज ये प्रथा उन्होंने फिर शुरू कर दी है। यहाँ काफी लोग जुटने वाले हैं और यहाँ पे भी उन लोगों ने फाग भी गाई है। बाद ऐसा प्रोग्राम रखा है हिंदू उत्सव समिति द्वारा, जो पुरानी प्रथा पहले होता था रंगपंचमी में, मूक रंगपंचमी द्वारा रखा जाता था पहले, और आज वही प्रथा दोबारा चालू करी है हिंदू उत्सव समिति ने, जिसमें गणमान्य नागरिक और रायसेन के सभी पत्रकारगण, वरिष्ठगण सभी लोग उपस्थित रहेंगे। आप सभी को रंगपंचमी की बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है हिंदू उत्सव समिति के तत्वाधान में महामाया चौक पर, और रंगपंचमी महोत्सव होली के रंग हिंदू उत्सव समिति के संग। इसमें क्या करेंगे आज आप? मूक सम्मेलन रहेगा, वरिष्ठ लोगों पर टाइटल रहेंगे। आज से पूरा कितने साल बाद हो रहा है ये कार्यक्रम? 7-8 साल बाद हो रहा है मेरे ख्याल से। कई सालों बाद ये मूर्ख सम्मेलन कार्यक्रम हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, हिंदू उत्सव समिति के गठन के बाद से हमारे भाई साहब मोहन महाराज जी ने लगातार कुछ न कुछ अच्छे कार्यक्रम किए, और अच्छे जुलूस के बाद आज मूर्ख सम्मेलन कई सालों बाद देखने को मिल रहा है। लगभग मुझे लगता है पिछले 30 सालों से मूर्ख सम्मेलन नहीं हुआ, और आज ये बहुत ही अच्छा आयोजन जो है हिंदू उत्सव समिति द्वारा किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से स्वागत योग्य। और आज महामूर्ख सम्मेलन जो होने वाला है इसमें बहुत मजा आने वाला है, और आप धीरे धीरे देखेंगे कि आप मूर्ख सम्मेलन की तैयारियां जो है तेजी से आगे बढ़ रही है और लोग आना शुरू हो रहे हैं, और अब आप आगे इसका मजा लेंगे। आपके मूर्ख सम्मेलन में कितना मजा मेरी मर्जी। मैं चाहे ऐसी मर्जी की मैं चाहे चुना
सूबेदारों को दान देने का चूना, सूबेदार ने कहा था दान देने पे चूना, फिर मैं सुनू ना किसको गले लगाऊं खुशी ना मिले का गम खत्म हो जाए।